घर में सबसे छोटा भाई बहन पीटीवी की तरह होता है, मसाइल से लाइलम और अपनी धुन में मगन। शौहर अपनी बीवी से, बेगम काफी दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। बीवी, दिखाया था। शौहर, तो फिर क्या कहा है डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने कहा है कि खून में शॉपिंग की कमी है। अगर कोई पत्थर मारे तो उसका जवाब फूलों से दो, लेकिन फूल इतने होने चाहिए कि उसकी कब्र पर पूरे आ जाएं। दादा, बेटे सुबह सवेरे उठा करो, इसके बड़े फायदे हैं। मिसाल के तौर पर जो चिड़ियां सुबह सवेरे उठती हैं, उन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। पोते ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है दादाजी, लेकिन जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं, उन्हें सुबह सवेरे उठने की सजा भी तो मिलती है। डॉक्टर, आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन रश वाली जगह जाने से परहेज कीजिए। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब मैं अपने काम से मजबूर हूँ। डॉक्टर, आप क्या काम करते हैं? मरीज, डॉक्टर साहब मैं एक जेब कतरा हूँ और लोगों की जेबें काटता हूँ। एक आदमी की दो बीवियाँ आपस में लड़ रही थीं। दौराने जंग एक कह रही थी कि आज बुध है, जबकि दूसरी कह रही थी नहीं आज जुमेरात है। शौहर ने उनकी तकरार सुनी तो गुस्से से बोला, मैं पागल हूँ जो जुमा पढ़ के आ रहा हूँ। माँ अपने बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा, और अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? माँ गुस्से से, तो फिर जूते। बेटा, बस अम्मी मुझे आपका फैसला मंजूर है, मैं फेल ही हूँगा क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। शादी के बाद खावन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, उनमें से कौन कौन सी बात तुम्हें अब सच लगती है? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर अपने घर जैसा बिस्तर, वाईफाई और वॉशरूम कहीं नहीं मिलता। मेरा तो अब हर चीज से दिल ही उठ गया है, सिवाय खाने पीने, घूमने फिरने, सोने और मोबाइल फोन के। बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि फिर से वही मनहूस क्रिकेट, अगर तुम एक दिन क्रिकेट खेलने ना जाओ तो मैं खुशी से मर जाऊं। शौहर कहने लगा कि खुदा के लिए बेगम मुझे ऐसा पुरकशिश लालच न दो। शौहर ने अपनी बीवी को फोन किया और कहा कि बेगम जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करूँगी। शौहर, नहीं मेरी जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी, अभी नहीं। शौहर, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? तो शौहर कहने लगा, अरे पगली वो बात नहीं है, असल में बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया कि मौलवी साहब क्या रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? तो मौलवी साहब बोले कि दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है, अगर बीवी किसी और की हो और उसके शौहर को पता चल जाए तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोजा टूट सकता है, और दूसरी अगर बीवी आपकी अपनी है तो याद रखें कि झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो सकता है। एक तजर्बे के मुताबिक अगर आप रोजाना 3 से 5 किलोमीटर दौड़ें तो यकीन मानें आप 5 सालों में घर से बहुत दूर चले जाएंगे। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे, किसी की आवाज आई, अरे गुलखान तुम्हारी बेटी भाग गई है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी
जब 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी है ही नहीं। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुलखान नहीं है। चश्मे सोने के 3 फायदे हैं। एक तो बंदा समझदार लगता है, दूसरा पढ़ाकू, और तीसरा बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लगता है। मौजूदा सियासत लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम अमीरों की हमायत करना, दर्द मंदों की ज़ईफ़ों की मुरम्मत करना, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको, लहलहाते हुए खेतों को जलाकर रख दूं मैं, आगे नफरत जहां चाहूं लगाकर रख दूं मैं, वो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले रात दिन दे मुझे दशनाम मोहल्ले वाले, और मेरे नाम से मंसूब हो हवाला या रब, मंत्री बन के करूं घोटाला मैं या रब। एक खातून तेजी से एक दुकान में दाखिल हुई और बोली कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी है? दुकान का मालिक, आंखों की। औरत, मगर डॉक्टर साहब मेरी आंखों में कैसी बीमारी है? दुकानदार, ऐसी बीमारी है कि ये दुकान डॉक्टर की नहीं बल्कि नाई की है। 4 बेवकूफ कहीं जा रहे थे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पहले बेवकूफ ने दूसरे से पूछा, गोली तुम्हें तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी कहा नहीं। फिर तीसरे से पूछा तो उसने भी नफी में जवाब दिया। तो इस पर वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और बोला, तो फिर मुझे ही लगी होगी। क्रिकेट का मैच हो रहा था, स्टेडियम के गेट पर एक लड़का पास दिखाकर अंदर जाने लगा तो गेट कीपर ने कहा, ये तुम्हारा पास तो नहीं है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ ये मेरे वालिद साहब का है। गेट कीपर ने पूछा, वो क्यों नहीं आए? लड़के ने कहा, वो इस वक्त बहुत मसरूफ है। गेट कीपर ने पूछा, वो क्या कर रहे हैं? बच्चे ने जवाब दिया कि वो अपना पास तलाश कर रहे हैं। पप्पू, अंकल आप मुझे जानते हैं? दुकानदार बोला, नहीं। पप्पू, मेरे पापा को? दुकानदार बोला, नहीं। पप्पू, तो फिर ये लो 10 रुपए और 1 सिगरेट दे दो। बीवी से तंग आकर शौहर तलाक के लिए कोर्ट में गया और जज से बोला, जनाब मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज बीवी से बोला, आपका शौहर आपसे खुश क्यों नहीं है? बीवी, पता नहीं जज साहब, सारा मोहल्ला तो खुश है, बस यही नखरे करता है।